अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये घड़ी है, ये घड़ी चल रही नहीं है। ठीक है, ये घड़ी चल रही नहीं है। क्यों नहीं चल रही, किस वजह से नहीं चल रही है, तो हम इसका प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम इसको स्क्रू को खोलेंगे। ये स्टार स्क्रू ड्राइवर स्टार से खोलेंगे, स्टार स्क्रू ड्राइवर से। ठीक है, अभी मैं खोलता हूँ, खोल के बताता हूँ मैं आपको। ये साइड में स्क्रू रहते हैं। अभी मैं दोस्तों सब स्क्रू खोल दिया हूँ। ठीक है, ये सब अलग हो गया, बिल्कुल ये निकाल दिया मैंने सब स्क्रू। ठीक है, ये छोटे छोटे स्क्रू है। ये छोटे छोटे स्क्रू रहते हैं इसमें। ठीक है, चारों तरफ में इसकी जो ये कवर है ना कांच, ये इसको साइड में रख देंगे हम। ठीक है, इधर रख देते साइड में, फिर हम इसको उठाएंगे। ठीक है, तो इसको उठा के सबसे पहले इसका ये सुइयां निकालेंगे। बहुत इजी काम है, बड़ा घड़ी है, बड़ा घड़ी का बहुत इजी काम रहता है। उस्ताद ने मुझे एक ही बार सिखाया था, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल के करम से मेरा दिमाग में बैठ गया था पूरा सिस्टम। तो बहुत इजी है ये, एक बार समझ जाएंगे ना पूरा। ये रहता है बोल्ट, ये बोल्ट को भी खोलने का ये। ठीक है, और ये निकाल दिए, बहुत इजी काम रहता है। बड़ा घड़ी बहुत इजी रहता है, सिंपल रहता है। इसको भी निकाल के साइड में रख देंगे। ठीक है, मेन है ये है मशीन, घड़ी का मशीन। इसमें देखेंगे अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो दोस्तों, इसको देखा मैंने, ये साइड में ये गिरी हुई है, घड़ी गिरा हुआ है नीचे, और ये इसका ये साइड कवर टूट गया है। ठीक है, चलो साइड कवर टूट गया फिर भी चलना चाहिए अर्थिंग से, ये बैटरी से। तो इसको खोल के देखेंगे पहले हम, इधर से कवर है इसका, खुलता है अभी है ये। ये देखो दोस्तों, ये साइड से ना कवर रहता है ऐसा, ये खुलता है। स्क्रू ड्राइवर डालेंगे ना, हल्का प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा पूरा ऐसा। दोस्तों ये वाला मशीन है मेरे पास, वो छोटा वाला भी आता है, वो वाला मेरे पास नहीं है। तो ये वाला मशीन है मेरे पास, ये टेस्ट चेक करने वाला। इसका अपन कॉइल चेक करेंगे कि कॉइल से लाइन पास हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, स्पीकर के ऊपर सेट करेंगे। ये स्पीकर के ऊपर सेट किया तो आपस में टच करने का, ये देखो आवाज़ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी हम ऐसे चेक करेंगे इसका कि ये आ रहा है क्या नहीं, इधर इधर लगा के। ठीक है, इसका कॉइल को निकालेंगे। ठीक है, कॉइल निकल जाता है, ये बहुत इजीली है, ये कॉइल निकल जाता है। कॉइल का ये पॉइंट है देखो, एक इधर है एक इधर, इधर इधर लगा के देखेंगे हम के लाइन आ रही है क्या नहीं आ रही है। ठीक है, इससे चेक करेंगे। नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा इसका। ठीक है, ठीक है, इसका आवाज़ नहीं आ रहा, इसके अंदर आवाज़ आना चाहिए। देखो ये करने पर चूँ चूँ आवाज़ आना चाहिए, तो इसके ऊपर लगाएगा। पॉइंट दोनों आवाज़ नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमें अभी पता चल गया हमारे को कि इसका जो ये कॉइल है ना, ये कॉइल भी ख़राब है। ठीक है, ये कॉइल भी ख़राब है और ये नीचे गिरी है, गिरने के बाद इसका बॉडी भी टूट गया हुआ है। ये देखो बॉडी भी टूट गया है। अभी इसको नहीं बनाएंगे, अभी हमारे पास एक, ये देखो हमारे पास ये नया नया मशीन है, नया मशीन मार्केट में मिलता है ये वाला मशीन। तो हम अभी ये रिपेयर नहीं हो सकते, इसका कॉइल भी ख़राब है और वो भी ख़राब है। तो हम ये नया मशीन उसमें सेट कर देंगे। मार्केट में घड़ी की दुकान पे ये मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है। अभी इसको उठाया हमने, तो अभी इसमें मशीन ये नया वाला मशीन डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर इस पोजीशन में। ठीक है, ऊपर से दोस्तों ये नेट रहता है, ये टाइट कर देना चाहिए ऊपर, इसके मशीन के ऊपर लगा रहता है। बहुत इजीली है, मैं अपना घर का काम रहता है, छोटा मोटा घर का काम मैं खुद ही कर देता हूँ। तो बहुत इजीली है ये
बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, सस्ते में काम हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये मशीन को रिपेयर करने का भी आपको बताऊंगा, अभी खाली मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ना अच्छे से टाइट करने का, ठीक है, क्योंकि इतना टाइट करने का ये मशीन अपना हिलना नहीं चाहिए, सेट हो जाए एकदम। ये देखो अभी हिल रहा नहीं है, ठीक है, इतना टाइट होना चाहिए। इसके बाद हम कांटे लगाएंगे, सबसे नीचे घंटे का कांटा लगाएंगे, सबसे छोटा वाला, ठीक है। ये देखो सबसे छोटा कांटा लगा दिया घंटे का, बहुत इजी है एकदम, ऐसा दबाएंगे तो सेट हो जाता है। इसके बाद ये बड़ा वाला लगाएंगे, ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा लगाएंगे पुश करेंगे बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड का कांटा लगाएंगे, क्योंकि घड़ी को निकालते समय ना कांटे टेढ़े हो जाते थोड़े से, तो इसको ऐसा ऐसा करके ना सीधा करने का। ये है ना होल है इसका, ठीक है, दिख रहा है होल, ये होल ना इसके अंदर बिठाने का, ऐसा ये पोजीशन। ओके, बैठ गया। अभी इसको ना ऐसा धक्का मार के देखने का कि ऊपर से जा रही है क्या। हाँ ठीक है, अपना ऐसा ऐसा करके ऊपर से जाती है, टक टक टक। अभी हम इसके पीछे वाला कवर निकाले थे मशीन के ऊपर वाला, अभी ऐसा कवर लगाना है, ठीक है। इसके दो स्क्रू, एक इधर स्क्रू लगाने का है। ठीक है, टाइट हो गया। और पीछे से ना ऐसा घुमा के देखने का कि कांटा एक के ऊपर एक लग रहा है क्या, एकदम फ्री होना चाहिए कांटा, एकदम ऐसा घूमना चाहिए, ठीक है। इधर से घुमा के देखने का, पीछे से एकदम ऐसा घूमना चाहिए इसमें, एक के ऊपर एक लगना नहीं चाहिए आपस में। अभी हम ये बैटरी डालेंगे, बैटरी डाल के देखते चेक करते कि चालू हुआ, ठीक है। बैटरी सीधा डालने का, ठीक है, चल गया अपना काम, सक्सेस हो गया। वैसा मशीन को चेंज कर देते हैं। अभी हम ये कांच ऊपर लगा देते, ये हम कांच लगाते, ठीक है, सब सेट हो जाता है। इसके ऊपर ये कवर है, फिर पीछे घुमाएंगे, जैसा अपने खोले थे ना ये स्क्रू वैसा ही सेट करना है, ठीक है। ये सब स्क्रू टाइट करने का, ठीक है। दोस्तों ऐसा घड़ी बनाते हैं, तो अभी सबसे लास्ट में अभी टाइम सेटिंग करने का, टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बज गया, 1:30 बज गया। दोस्तों नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, आप भी नमाज़ पढ़िए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही छोटा सा वीडियो दिखाऊँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल।